बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 7 चैप्टर 10। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जुबैर ऑन 31st December 2017। प्रिपेयर आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। चलें जी, ये पहला सवाल है जिसमें दोनों चीज़ें मांगी गई हैं। बैलेंस शीट को हम पहले समझ चुके हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। सबसे पहले लिखिए बिजनेस नेम, ये है मैसेज जुबैर। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट नेम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। चलिए, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, पांच चीज़ें हमने समझी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में पांच चीज़ें आएंगी ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद सेकंड है परचेजेस में पहले देख लें कोई रिटर्न तो नहीं है, तो ये दूसरी साइड पे देखें परचेज रिटर्न आ रहा है, तो आप इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। ये है 166660 और रिटर्न है 4000। इधर लिखिए लेस रिटर्न्स, और ये होगा आपका नेट परचेजेस। इसके बाद है जी थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कैरिज इनवर्ड, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरिज इनवर्ड 5360। इसके बाद दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस है 13800। ये कंप्लीट हो गई, ये तीन चीज़ें होगी पूरी। ये वैसे मैं आपको पेपर में नहीं लगानी, सिर्फ याद कराने के लिए। ये ओपनिंग स्टॉक एक चीज़ पर, नेट परचेजेस, और ये तीसरी डायरेक्ट एक्सपेंस। चौथी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी सेल्स। सेल्स में देखें ये है 3 लाख। अब इसमें रिटर्न चेक कर लें, रिटर्न भी दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे सेल्स अंदर वाले कॉलम में, सेल्स आपकी है जी 3 लाख, और इसमें से माइनस कर दें सेल्स रिटर्न 800, और जो आंसर आएगा वो आएगा नेट सेल्स। और पांचवी चीज़ जो होती है वो क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके नीचे ये एडजस्टमेंट में दिया है ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये 6000। ये पांच चीज़ें पूरी होंगी। अब आप क्या करें कि इसको क्लोज कर दें। अब देखें कौन सी साइड ज़्यादा है, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें यहाँ पर तो प्रॉफिट ही आता है, बाद में हो सकता है लॉस हो, बैरल फिर भी आप चेक कर लें। तो इधर है 3 लाख और इधर है 1,62,000, तो यही साइड ज़्यादा है। तो
लिखें, टोटल कर लें पहले इसका, 299200 प्लस 6000, ये आ गया जी 305200 लिख दिया। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 8000 माइनस 162660 माइनस 5360, तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये है 115380 115380, ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है कि इसी ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लें, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अभी इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये साइड ज़्यादा थी तो हमने इसमें से ये माइनस किया, और जो बैलेंस ये निकला ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्या होगा इधर क्रेडिट साइड पे ही आएगा 115380। अब आप क्या करें, जितने भी एक्सपेंस हैं वो लिख दें, इनकम है वो इधर लिख दें, इनको छोड़कर, इन पांच चीज़ों को छोड़कर। तो इसमें इनकम वाली साइड पे देखें, ये क्रेडिट होती हैं, इनकम क्रेडिट होती है हमेशा, तो इसमें क्या है एक ये डिस्काउंट रिसीव्ड नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो मैंने इधर लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 600। अब इधर देखें एक्सपेंस वाली साइड पे, कैरेज इनवर्ड हमने लिख दिया, वेजेस कैरेज आउटवर्ड आएगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड डायरेक्ट था वो ऊपर लिख दिया, आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है नीचे आ गया 1580। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ये आपके हैं 1280। आगे प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस ये हैं आपके 880। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड, अगर पेड का लफ्ज ना भी लिखा होता तब भी हम समझ जाते, क्योंकि ये डेबिट साइड पे आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्सपेंस है, लेकिन उसने पेड लिख दिया तो आपको और क्लियर हो गया। ये है जी 760। इसके बाद जो है कुछ नहीं है। अब आप क्या करें, इसका बैलेंस कर लें, यही साइड ज़्यादा है, टोटल कर लें 115380 प्लस 600, ये आ गया 115980 115980। इसमें से ये माइनस कर दें तमाम चीज़ें, 1580 माइनस 1280 माइनस 880 माइनस, ये आपका जो प्रॉफिट आ रहा है 111480, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, ठीक है। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ तक इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो निचला हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनेगा इकट्ठा ही, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके 10 मार्क्स हैं प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, इसको अभी हम रब करते हैं, जी नेम आएगा पहले बिजनेस नेम, भी इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट नेम, बैलेंस शीट, और लास्ट में आएगी टाइम कि जिस वक्त ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है कि एज ऑन लिखेंगे या एज एट, एज ऑन 31st December 2017, क्योंकि बैलेंस शीट जो है ये एक मखसूस टाइम के लिए बनाई जाती है, उस वक्त तक ये दुरुस्त होती है, और एक भी ट्रांजेक्शन हो जाए तो इसकी पोजीशन बदल जाती है।
ये आपकी एसेट साइड होगी, ये आपकी लाइबिलिटी साइड। और हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करेंगे, पहले करंट एसेट्स फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले जो है कैश इन हैंड, इधर आप हेडिंग भी दे सकते हैं करंट एसेट्स, ये है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका है जी 60,000। दूसरा है 72,000, उसके पास सन्ड्री डेटर्स हैं, ये 112,000। इसके बाद है जी आपके क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका करंट एसेट है 6,000। अब आपकी बारी है फिक्स एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मशीनरी, इसके बाद है फर्नीचर, इसके बाद है बिल्डिंग, फिगर है जी मशीनरी है 44,000। फर्नीचर है 12,000 और आपकी बिल्डिंग है 112,000। ये साइड आपकी कंप्लीट हो गया। अब आपने आना है बैलेंस शीट की दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ पे। पहले करंट लाइबिलिटीज़ लिखें, तो ये है बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इधर भी आप हेडिंग दे दें करंट लाइबिलिटीज़, इसके नीचे ये लिख दें सन बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर 102,520, अब हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो सबसे पहले आप लिखें लोन 32,000, इसके बाद लिखिए कैपिटल, कैपिटल जो है ये 180,000 है, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें, और अगर सवाल में कोई ड्राइंग्स है वो इसमें से माइनस कर दें, लेस ड्राइंग्स। कैपिटल वो है जो मालिक लगाता है, यानी ये मिस्टर जुबैर ओनर है, इसने लगाया, और जितने पैसे ये वापस ले गया वो ड्राइंग्स, ये माइनस कर देंगे। अब बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो वो इसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बिजनेस से निकालेंगे नहीं, दोबारा बिजनेस में लगा देंगे। और बिजनेस में लगाने का तरीका क्या है कि उसके कैपिटल में ऐड कर दो। तो इस सवाल में प्रॉफिट आया तो हम ऐड कर देंगे, अगर लॉस आता तो हम इसको माइनस कर देते, इसका कैपिटल कम हो जाता। तो आप इधर लिखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आया था 111,480। अब क्या करें कि इसको ऐड करके और ड्राइंग माइनस करके दूसरी साइड पे ले जाएं, ये 180,000 माइनस 12,000 प्लस 111,480, ये आपका आ रहा है 279,480, 279,480। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके नीचे दो लाइनें लगा दें, यानी अब ये आगे नहीं चलेगी, ख़त्म हो गया। अभी ऐड कर लें 32,000 इसमें, ये आंसर आया जी 418,000। अब इसको चेक करें इस साइड को, ये 60,000 प्लस 72,000 प्लस 112,000, ये भी आ गया 418,000। इधर लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़,
इधर लिख दें टोटल एसेट्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।